मैडम, हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यह सॉस पैन लिया है। इसमें मैं 1 पाव चने की दाल डालूंगी। ये मैंने इसको 4 घंटे भिगो दिया था और ये 1 पाव मैंने लिया है। अब मैं ये दाल इसमें डाल दूंगी और इसमें अब जाएगा 2 कप मैंने दूध लिया। अब ये दूध इसमें चला जाएगा। अब इसको मैं लो टू मीडियम आंच पे इतना पकाऊंगी कि दाल भी गल जाए और खुश्क भी हो जाए। व्यूअर्स, ये देखें सारा दूध हमारा खुश्क हो गया है और दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। दाल को मैंने 5 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था। अब मैंने चौपर में इसको डाल दिया है। अब इसमें मैं 1/4 कप दूध डालूंगी ताकि ये दाल हमारी अच्छी तरह पिस जाए। ये थोड़ा सा इसमें दूध गया और इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें दूध और जाएगा, तकरीबन इसमें 1/2 कप दूध चला जाएगा ताकि आसानी से हमारी ये दाल पिस जाए। ये दाल मैंने अच्छी तरह पीस ली है, तकरीबन इसमें 1/2 कप दूध गया है। ये देखें दाल हमारी पिसी हुई, ये इस तरह होनी चाहिए। अब इसको मैं इसमें से निकाल लूंगी। मैंने अच्छी तरह पीस ली है। अब ये 1 कप मैंने देसी घी लिया है, कढ़ाई मैंने ले ली है। अब इसमें 1 कप देसी घी डालेंगे। आप बैटरी से इतना महंगा चने की दाल का हलवा लेते हैं, आप इसको घर बनाए देखिए कितना इजी है इसको बनाना। अब इसमें मैं डाल दिया 1 कप देसी घी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और साथ ही इसमें डाल दूंगी ये हमारी ब्लेंड की हुई दाल। इसको डाल दिया। अब इसको घी में डाल के मजीद मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम आंच पे भून लूंगी ताकि ये दाल का कच्चापन खत्म हो जाए। इसको 5 मिनट हो गया, मैं इसी तरह इसको भून रही हूँ। ये देखिए सारा घी हमारा गायब हो चुका है। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि दाल का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए और साइडों में घी भी सारा आ जाए। इसको हम इतना भूनेंगे, तकरीबन 10 मिनट इसको और लगेंगे लो टू मीडियम आंच पे। और ये देखें इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भून लिया। देखें दाल का कलर भी चेंज हो चुका है और साइडों में ऑयल भी आ रहा है हमारा। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूंगी 1 कप चीनी या ज़रूरत के मुताबिक आप डालें, मीठा कम ज़्यादा जितना आप खाते हैं उस मुताबिक आप चीनी डाल दें। मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको इतना, आपने चम्मच बिल्कुल चलाते रहना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है वरना ये सारा नीचे लग जाएगा और आपका ये हलवा ख़राब हो जाएगा। अब इसको चीनी मेल्ट होने तक अच्छी तरह पकाऊंगी। फिर चीनी डाल के भी इसको मैंने चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लिया। ये देखिए हलवे का कलर आप देखें कितना ज़बरदस्त आया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूंगी ये 4 टेबल स्पून इसमें है मैंने नारियल का बुरादा डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। साथ ही इसमें डालूंगी ये 2 से 3 टेबल स्पून बादाम क्रश और 2 से 3 टेबल स्पून ये पिस्ता क्रश किया हुआ, ये डाल दूंगी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप इसको ज़रूर बनाएं, यकीन जाने के बाज़ार वाले और इस हलवे में कोई फ़र्क नहीं आपको नज़र आएगा। 2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। ये हमारा चने की दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है, इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारा चने की दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 225 ग्राम अखरोट है जिनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। इस तरह आप मोटा मोटा चॉप कर लें इसको। और ये मेरे पास 1/2 कप चीनी, मैंने थोड़ी 1/2 कप से ज़्यादा ली है, जितनी ज़रूरत होगी हम डाल लेंगे। और 100 ग्राम खोया है, ये 1/4 कप मेरे पास ये घी है और ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 कप दूध। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई में पहले घी डाल देना है और उसमें डाल दूंगी ये मैं इलायची पाउडर। अब इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे।
ये घी पिघल चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी ये चॉप किए हुए अखरोट की गिरी है ये। अब इसको मैं 2 मिनट इसी तरह घी में भून लूंगी, लो टू मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे हम। 1 मिनट हो गया है, मैं इसको इसी तरह मजीद भून रही हूँ। अब इसको तकरीबन 2 मिनट इसी तरह भूनना है आपने। ये बहुत ही मज़े का लगता है, खास करके ये सर्दी के मौसम में आप बच्चों को दें, बड़े खाएं, ये बहुत ही मुफीद है। अब इसको 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको घी डाल के भून लिया है। अब इसमें मैं जो आपको खोया बताया था ये शामिल कर दूंगी। अब खोया डाल के हम अच्छी तरह खोए को नरम कर लेंगे। ये देखें, ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तकरीबन इसको आपने 1 मिनट के लिए खोया डाल के भूनना है। ये 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें ये 1 कप दूध शामिल कर दूंगी। अब इसी तरह मैं इसको दूध को खुश्क होने तक पकाऊंगी। ये दूध हमारा खुश्क हो रहा है, अब इसमें मैं 1/2 कप चीनी डाल दूंगी। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें 1/2 कप से थोड़ी कम डाली है। ये इसी तरह आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि ये जो दूध डाला था इसमें वो खुश्क हो जाए। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे ड्राई होने में। आप इसको सर्दियों में ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, बहुत ही ये हेल्दी है। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मैं इसी तरह चम्मच ला के इसको भून रही हूँ। ये देखिए साइडों पे घी आना शुरू हो गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट करूंगी। ये डिश बिल्कुल तैयार है, अखरोट का हलवा। ये मेरे पास 2 कप छना हुआ बेसन है, यही वाला कप मैंने रेगुलर जो घर में होते हैं कप, यही मैंने 2 कप लिए हैं बेसन के। ये मेरे पास 3/4 कप चीनी, 3/4 कप घी, 1/2 कप पानी, 4 से 5 टेबल स्पून बादाम पिस्ता कटे हुए, और ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर, ये 1/4 कप सूजी, और 100 ग्राम मेरे पास ये खोया है। चलें सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे चीनी पानी और ये इलायची पाउडर की। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सॉस पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी चीनी पानी और इसको करूंगी अच्छे से मैं इसका शीरा तैयार करूंगी। ये शीरा हमारा पकना शुरू हो गया है, ये देखिए चीनी भी सारी इसमें मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये इलायची पाउडर। अब इसको मैं 2 से 3 बॉयल आने तक, ये देखें ये पकना शुरू हो गया, सिर्फ इसको मैं 30 सेकंड के लिए पका लूंगी। ये मैं इसको 1/2 मिनट पका लिया, ये देखें शीरा हमारा बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो गया है। अब इसको मैं करूंगी साइड पे। अब ये मैं घी इसमें डाल दूंगी जो मैंने आपको बताया है। ये सारा इसमें घी चला गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये बेसन और साथ ही डाल दूंगी सूजी। अब इसको हम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह चम्मच चलाते जाएंगे, पकाएंगे। आंच आपने इसकी ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये घी छोड़ दे।
आंच मैंने लो टू मीडियम की हुई है। इसी तरह आपने चम्मच चलाते जाना है, इसमें चम्मच आपने छोड़ना नहीं। इसी तरह इसको आपने पकाना है। ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इसी तरह इसको लो फ्लेम पे पका रही हूँ। आपने इसको पकाने की जल्दी नहीं करनी, वरना जब आप हलवा खाएंगे तो बेसन इसमें कच्चा रह जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा हलवे का। इसीलिए इसको आपने बहुत ही आराम से लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है। अभी मैं इसको 10 मिनट और पकाऊंगी इसी तरह। ये इसको 20 मिनट हो गए हैं, 20 से 25 मिनट लगा लें। मैंने लो फ्लेम पे इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसको पकाया है। अब इसमें मैं 100 ग्राम खोया शामिल कर दूंगी। अब इसको मिक्स करूंगी, ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। ये खोया सारा इसमें मिक्स हो गया। अब इसमें मैं जो शीरा बना के रखा हुआ है वो शामिल करूंगी। ये हमने शीरा डाल के अब इसको इतनी देर पकाना है कि ये ड्राई हो जाए थोड़ा। ये इसको शीरा डालने के बाद तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट और पका लिया है। ये देखें शीरा भी हमारा अच्छे से, शीरे वाला पानी खुश्क हो गया है। ये देखें हलवा हमारा ड्राई हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें बादाम पिस्ता शामिल करूँगी और थोड़ा सा मैं ये बचा लूँगी गार्निश के लिए। अब इसको मिक्स करेंगे। देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बेसन का हलवा पक के तैयार हुआ है। चलें ये पक गया है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बेसन का हलवा बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाजर के हलवे के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी, ये 2 किलो मेरे पास कद्दूकश की हुई गाजरें हैं, ये डाल दूंगी मैं इसमें। ये 2 किलो गाजरें डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी 3 किलो दूध। दूध मैंने पहले गर्म कर लिया था, अब इसका मैं चूल्हा जला लूंगी। ये आपको फिर से बता दूं, 2 किलो गाजरें हैं जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, 3 किलो मैंने इसमें दूध डाल दिया है जो मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये दूध जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। उतनी देर हम इसको पकाते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। दूध में बॉयल आ रहा है, आपने इसको लो टू मीडियम आंच पे इसी तरह पकने देना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी वरना दूध सारा बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये देखें इसको पकने दें। बस आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है। ये तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया है, मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ था। ये हाफ दूध खुश्क होने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून भर के इलायची पाउडर है। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। फिर मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि दूध सारा ड्राई हो जाए हमारा। ये मिक्स हो गया, अब इसको मैं फिर पकने दूंगी ताकि दूध अच्छी तरह ड्राई हो। ये दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। मैंने इसी तरह चूल्हे पे रखा हुआ था और 7 चम्मच चलाई जा रही थी इसमें। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, ज़रूरत के मुताबिक डालूंगी। अभी मैं पहले थोड़ी डालूंगी, अगर मुझे कम लगे तो मैं दोबारा इसमें डाल दूंगी। अब इस चीनी को मेल्ट होने देंगे अच्छी तरह। थोड़ी सी और शामिल कर देती हूँ, मुझे थोड़ी कम लग रही है। अब इसको अच्छी तरह मैं मज़ीद भून लूँगी। अब ये चीनी ने भी पानी छोड़ दिया है, अब इसका पानी खुश्क होने तक इसी तरह मैं इसको भूनती रहूँगी। जब ये पानी चीनी का ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे घी। ये चीनी का पानी भी खुश्क हो गया, मैंने मीठा देखा है बिल्कुल ठीक है। मैंने इसमें 1/2 किलो चीनी डाल दी है और बिल्कुल इसमें परफेक्ट रही है। अगर आपको मीठा कम ज़्यादा करना है वो आप ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ये 1/2 कप मेरे पास देसी घी है।
ये इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि घी जो है वो साइडों पे नजर आए। इसको मजीद मैं अब देसी घी में भून लूंगी 3 से 4 मिनट। ये पानी बिल्कुल चीनी का खुश्क हो गया है। ये देखें इस तरह हमारा हलवा बिल्कुल सूख गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये 4 से 5 टेबलस्पून, मेरे पास ये बादाम है जिनको मैंने चॉप कर लिया था, ये मिक्स कर दूंगी इसमें। और इसमें चम्मच चला लूंगी। ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये डिश बिल्कुल तैयार है, गाजर का हलवा। इसको मैंने खोए से, बादाम पिस्ता और अंडों से गार्निश किया है।